हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रशासन सरकार ने 8 माह की गर्भवती महिला की सारी मांगे मानी। प्रशासन ने धरना स्थल पर पहुंच कहा सारी मांगे वाजिब, निराकरण करने का भरोसा दिला, जूस पिला, धरना करवाया समाप्त, सरकारी जमीन से सबके अतिक्रमण हटा, कमजोर भूमिहीन असहायों को अन्यत्र स्थान पर भूमि आवंटन कर बसाया जाएगा। विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस से बाड़मेर विधायक की दलित विरोधी नीतियों के विरोध में 8 माह की गर्भवती महिला 11 सहित धरने पर बैठी। महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों ने प्रशासन के समानता का भाव रख कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद 12 दिन से चल रहा धरना समाप्त किया। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, उप पुलिस अधीक्षक सीओ आनंद सिंह राजपुरोहित, उप पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति शैल पुष्पेंद्र सिंह आढ़ा सहित प्रशासन के अधिकारी धरना स्थल अम्बेडकर सर्कल पहुंचे, जहां धरनार्थियों की सारी मांगों को वाजिब मांगे बताकर निराकरण करने का भरोसा दिलाकर कहा कि प्रशासन विधायक के राजनीतिक दबाव में न आकर दलित वर्ग के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया न रख समान भाव रखेगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने के आदेश निरस्त करेगा। समाज के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं करेगा। समाज के अनाथ, असहाय, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, भूमिहीन, आदिवासी, धूमकड़, कमजोर दलित समाज को सरकारी जमीन से बेदखल न कर उन्हें अन्यत्र स्थान पर बसाने के लिए भूमि आवंटन करेगा। दबंग राजनीति सह प्राप्त पूंजीपति भूमि माफियों को सरकारी जमीन से हटाकर इनके पट्टे निरस्त करेगा तथा दलित वर्ग के साथ सदैव न्यायिक समानता का भाव रखेगा। प्रशासन के दिए आश्वासन पर धरनार्थियों ने सहमति जता प्रशासन के अधिकारियों से जूस पी भूख हड़ताल तोड़ धरना समाप्त किया। अंबेडकर न्यायिक मंच अध्यक्ष एडवोकेट नवल किशोर लीलावत ने प्रशासन का आभार जता खुशी जाहिर की। धरना स्थल पर समाज सेविका नीलम लीलावत, विक्रम सिंह राठौड़, विक्रम वाल्मीकि, पांची देवी, भील अमियो देवी, भील शांति देवी, वाल्मीकि मोरखी, देवी वाल्मीकि, बेबी देवी, मनोहर कंडारा, जुझार सिंह राठौड़, जेठा कवर, भोमाराम, दिनेश कुमार, संगीता कवर सोलंकी, श्रवण गोयल, प्रेम कुमार भील, 11 देवी भील सहित कई महिलाएं, बच्चे तथा गणमान्य जन उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।